हाय नन्हे खोजियों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी चिरपी, एक छोटे कबूतर और उसके सबसे अच्छे दोस्त पप्पू की दिल को छू लेने वाली कहानी। तो आओ मिलकर सुने चिरपी और पप्पू की कहानी, दोस्ती का खजाना। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में जहां हवा में हंसी ठिठोली गूंजती रहती थी, वहां रहता था चिरपी नाम का एक छोटा कबूतर। चिरपी कोई मामूली कबूतर नहीं था, वो एडवेंचर पसंद था, नई चीजें सीखने को उत्सुक था और हमेशा घूमने फिरने को तैयार रहता था। एक धूप से भरी सुबह जब चिरपी झाड़ियों के आसपास कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पुराना झुर्रियों से भरा नक्शा मिला। उत्साह से भरा चिरपी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ अपने सबसे अच्छे दोस्त पप्पू के पास गया। पप्पू एक चंचल खरगोश था जिसके फर बहुत मुलायम और आंखें बहुत चमकदार थी। पप्पू, देख मैंने क्या पाया, चिरपी ने चहकते हुए कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ये एक खजाने का नक्शा है, चलो खजाना ढूंढने चलते हैं। बिना एक पल सोचे पप्पू साथ में कूदता फांदता हुआ चल पड़ा और दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा एडवेंचर शुरू किया। उन्होंने हंसती हुई नदियों को पार किया, कीचड़ से भरी पहाड़ियों पर चढ़े और सोते हुए भालू के पास से चुपके से निकल गए। ओहो, कितनी मस्ती की उन्होंने। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की। चिरपी आगे जाकर रास्ता देखता और पप्पू रास्ते के रोड़े हटाता। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा, जिससे जंगल और भी जादुई लगने लगा। घंटों खोजने के बाद वो नक्शा उन्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास ले गया। दिलों में उत्साह के साथ उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई की। टक, उनके फावड़े को कुछ कठोर लगा। ध्यान से उन्होंने मिट्टी हटाई और वहीं था एक जंग लगा हुआ पुराना संदूक। कंप कंपाते पंखों और पंजों के साथ उन्होंने संदूक खोला, लेकिन उन्हें हैरानी हुई, वो खाली था। न सोना, न हीरे, कुछ भी नहीं। एक पल के लिए उन्हें निराशा हुई, लेकिन फिर चिरपी ने पप्पू को देखा और पप्पू ने चिरपी को देखा। वो ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना उनकी दोस्ती थी। उनके एडवेंचर्स, एक दूसरे को दिया सहारा और साथ में की गई हंसी मस्ती, वही असली खजाना था। तो नन्हे दोस्तों, जैसे चिरपी और पप्पू को पता चला, कभी कभी सबसे बड़ी खुशी हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि उन दोस्तों से मिलती है जो रास्ते भर हमारे साथ होते हैं। याद रखना, असली खजाना वो दोस्ती है जो हम बनाते हैं और संजोते हैं। इस मजेदार एडवेंचर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक खोजते रहो, हंसते रहो और अपने दोस्तों को संजो कर रखो। बाय बाय।